हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे पोहे और सूजी का एक नया नाश्ता। इसके लिए हमने एक कटोरी पोहा और एक कटोरी सूजी का यूज़ किया है। पोहे को हम दो पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। बाद में उसमें आधा कप जितना पानी डाल के उसको 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। सूजी में भी हम 4 से 5 टेबलस्पून जितना दही मिला के उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम पहले 3 से 4 टेबलस्पून दही मिलाएंगे, बाद में ज़रूरत पड़े तो 1 चम्मच और दही मिला देंगे। हमें उसकी ठीक कंसिस्टेंसी रखनी है। इस स्टेज पर थोड़ा दही कम लग रहा है, इसलिए 1 चम्मच और मिला देंगे और उसको भी हम 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। 10 मिनट के बाद पोहे को हम थोड़ा सा हाथ से मसल लेंगे और सूजी में ऐड कर देंगे। उसमें स्वाद अनुसार नमक और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला के हम पानी वाला हाथ करके, या आप चाहे तो हाथों में ऑयल लगा के भी उसकी टिक्की बना सकते हैं। इस साइज़ की छोटी छोटी टिक्की बना लेंगे। आप चाहे तो इसको इडली स्टैंड में भी स्टीम कर सकते हैं या पानी के ऊपर छन्नी रख के भी उसको स्टीम कर सकते हैं। उसको लीड लगा के हम 8 से 9 मिनट तक अच्छे से स्टीम होने देंगे। 8 मिनट बाद हम उसमें टूथपिक लगा के चेक कर लेंगे। ये अच्छी तरह से पक गई है। अब हम इसका तड़का लगा देंगे। इसके लिए हमने एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, उसमें आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा और थोड़ा सा नीम का पत्ता ऐड करके उसमें हमारी टिक्की ऐड कर दी है। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और आधा चम्मच ओरेगानो ऐड कर देंगे। आपके पास ओरेगानो ना हो तो आप इसकी जगह कसूरी मेथी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसका टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आता है। दो तीन मिनट पकाने के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और उसको सर्विंग प्लेट में निकाल देंगे और सॉस या चटनी के साथ आप उसको सर्व कर सकते हैं। इसको सर्विंग प्लेट में निकाल देंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।